वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहावत भारत और वियतनाम को लेकर सटीक बैठ रही है, क्योंकि भारत और वियतनाम की दोस्ती चीन को चुभ रही है। चालबाज चीन के लिए मुसीबतें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत की एक और सबसे मजबूत और सशक्त मिसाइल एक और आसियान देश को मजबूत करने वाली है, और अब वो देश होगा वियतनाम, जिसे भारत आकाश मिसाइल देने वाला है। और इसके साथ ही चीन के लिए मुसीबतें अब और बढ़ने वाली। बता दें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर वियतनाम पहुंचे थे, और यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने वियतनाम के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। न सिर्फ रक्षा मंत्री से, लेकिन वियतनाम के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई, और इस बीच दोनों के बीच में रक्षा साझेदारी को लेकर कई जरूरी फैसले लिए गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच जरूरी हस्ताक्षर भी हुए, और इस दौरान कई डील्स भी हुई, जिसमें से एक डील्स थी आकाश मिसाइल वियतनाम को देना। यानी वियतनाम अब भारत से आकाश मिसाइल खरीदने जा रहा है, ताकि उसका बेड़ा मजबूत हो सके। ऐसे वक्त पर जब वियतनाम का चीन के साथ विवाद गहरा रहा है, और भारत के साथ ही सीमा को लेकर चीन का विवाद लगातार जारी है, ऐसे में दक्षिण चीन सागर हो या फिर साउथ एशिया, चीन के लिए मुसीबत अब चारों तरफ से बड़ी होती हुई नजर आ रही है। बात अगर रक्षा मंत्री के इस दौरे की करें, तो इन 3 दिनों के दौरान दोनों देशों के बीच में कई करार हुए। बता दें, एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम अगर भारत के आकाश सिस्टम को खरीदता है, तो इससे भारत के न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वियतनाम के साथ भारत की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत इस मिसाइल डील के जरिए चीन को हिमालय की बजाय दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। रिपोर्ट में ऐसी अटकलें लगाई गई हैं कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश मिसाइल सिस्टम का वियतनाम को ऑफर दिया है। हालांकि अभी इसको लेकर दोनों देश की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। बात अगर आकाश मिसाइल की करते हैं, तो ये मिसाइल बहुत दमदार है और काफी कारगर कई बार साबित हुई है। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है, और 96% स्वदेशी है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, और ये सिस्टम महत्वपूर्ण इलाकों और स्थानों को हवाई हमले से सुरक्षा देने में सक्षम है। ये ऑटोनोमस मोड में होने पर एक साथ कई लक्ष्यों के साथ निपट सकता है। इसे कहीं भी बहुत तेजी से ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में ये साल 2014 में शामिल हुआ था, और भारतीय सेना में इसे साल 2015 में शामिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सिस्टम रूस के कूप सिस्टम पर आधारित है। तो ये तो बात हुई आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियत की, लेकिन इसके अलावा अगर हम दोनों देशों के बीच की साझेदारी का जिक्र करें, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का करें, तो वियतनाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे से बहुत कुछ मिला है। बता दें, रक्षा मंत्री ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपकर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने का काम किया। इन गार्ड बोट्स का निर्माण इस दक्षिण पूर्व एशिया देश को भारत द्वारा दिए गए $10 करोड़ के अनुदान से किया गया है। बता दें, वियतनाम आसियान का एक महत्वपूर्ण देश है, और उसका दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्र विवाद भी है। वहीं भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनाम समुद्री क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजनाएं चला रहा है। भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कई सालों से अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2007 में वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इस दर्जे को बढ़ा दिया गया, और इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार पिछले कई सालों में मजबूत हुई है, और ऐसी डील्स का होना आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच साझेदारी को तो मजबूत करता ही है, साथ ही साथ आसियान देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में बहुत जरूरी कदम भी दर्शा रहा है, और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करने के लिए भी काफी माना जा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।